10 लाख इनामी टीएसपीसी के जोनल कमांडर भीखन गंजू को राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके एक और साथी राहुल की भी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से लेवी की रकम बरामद किए गए हैं। जिले के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी आधिकारिक जानकारी दी। काफी इम्पोर्टेंट था, एक तरह से ये सुप्रीमो बोलता था और अपना इसका ऑटोनॉमी थी, खास करके कोल बेल्ट जो आपका है खिलाड़ी मैक्रोस्कीगंज पेपरवार टंडवा। और समझ ये अभी तक पुलिस के लिए सिद्धर था इसको अरेस्टिंग करना, इस तक पहुंचना, क्योंकि ये अपने के पीछे सारे स्रोत को मिटा देता था। बट मैं पहले बोल चुका हूँ, सातीर आदमी क्रिमिनल कितना भी क्यों ना हो है तो क्रिमिनल ही, पुलिस की निगाह है, पुलिस की जो सूचना तंत्र है इससे बचपना सभी के लिए नामुमकिन है। तो एक लगातार कंटिन्यूस रिपोर्ट से इससे पहले भी आप देखा अरेस्टिंग हुई थी, लगातार हम लोग सक्रिय थे, इसके उपरांत एक ऑपरेशनल एक स्ट्रेटजी एक व्यू के तहत इसकी अरेस्टिंग हुई है। दरअसल झारखंड सरकार ने राज्य को नक्सल मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए डीजीपी के नेतृत्व में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और कोबरा बटालियन सभी नक्सली संगठनों के खिलाफ चौतरफा कार्यवाही में लगी हुई है। इसी कड़ी में 10 लाख इनामी नक्सली संगठन टीएसपीसी के जोनल कमांडर भीखन गंजू को 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया। जिले के एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर डीएसपी नीरज कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसके बाद छापेमारी कर दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। टीएसपीसी जोनल कमांडर भीखन गंजू और उसका साथी राहुल कुमार मुंडा चतरा का रहने वाला है। भीखन रांची में लंबे समय से सफेद पोषण बनकर सदर थाना क्षेत्र के ढेला टोली इलाके में रह रहा था और इलाज करा रहा था। लगभग 70 वर्षीय भीखन पर 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। इनके पास से लेवी के 12,32,270 रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही 7 मोबाइल, 2 राउटर, पार्टी का लेटर पैड, 1 लैपटॉप, पेन ड्राइव, आधार कार्ड, डिबेट कार्ड, चेकबुक और स्कूटी बरामद किया गया है।